जो अनुभव कर गया कि बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, कहा है बाबा मस्तक के ऊपर, अरे को कहा भक्ति में कह दिया कण कण में भगवान है ना, भक्ति में कह दिया अगर कण कण में भगवान है तो भी कहां लगाओगे। एक भगवान को याद करो एक तरफ कहते हैं, एक भगवान को याद करो दूसरी तरफ कहते हैं भगवान चारों तरफ है, तो कहां है भगवान फिर भाई। बुद्धि लगाने के लिए माइक इधर है, नहीं नहीं माइक इधर कहीं पड़ा है, आपके मोबाइल सबके पास है, हाँ जी बोलो घर में होगा कहीं भी होगा भले लाए नहीं होंगे लेकिन मोबाइल सबके पास है ना, नहीं मोबाइल मेरे पास है लेकिन कहाँ ही कहीं तो है, उसको कॉल करो तो करता हूँ लेकिन कहीं नहीं है पता चलेगा। अरे कंफर्म होगा तभी तो उठा के कॉल कर सकते हो, हाँ जी बोलो बाबा एक ही जगह पर होगा तभी तो याद कर सकता ना, नहीं नहीं बाबा इधर कहीं आस पास तो है कहीं ना, बाबा ने क्या दिखाया बुद्धि लगी लगी ना, बोलो बाबा वाह क्रिएट करो थोड़ा बिलिंग क्रिएट करो, वाह आप तो कर नहीं गए बाबा देखने में होते ना होंगे बाबा। अच्छा कोई कोई ऐसे कान के पास कर रहे हैं, कोई कोई हाथ इतना ही उठाया, जब इतना उठाया थोड़ी देखो एक्सरसाइज करने में ना एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन दर्द गायब हो जाता है नहीं, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करो गलत समझ लो कि ये एक्सरसाइज हो रहा है, उठा 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 पूरा हाँ ऐसे करो सीधा मस्तक आत्मा इधर है ठीक है, तो आप बाबा कहाँ रहना चाहिए मस्तक को, आप कहोगे थोड़ा इधर क्या होगा किरणी इधर चाहिए थोड़ी किरणा है, बारिश हो रही है छतरी को ऐसे रखोगे चलेगा, नहीं नहीं चलेगा अरे थोड़ा मेरे साइड तो कर आया ना बाबा काम चाहिए, बोलो बाबा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे किरणें पड़ रही है, और इसका प्रयोग अभी से करना है, वर्षों तक आप इतनी अच्छी अच्छी चीज सीखने वाले हो बहुत नई वैरायटी मजा आ रहा है सबको, डायलॉग कौन सी को आता है मुझे पल पल आज सब याद नहीं रख लूंगा कैसे होगा, कौन सी नजर मुझे पल पल आनंद लेना है, सीढ़ी से गिर गए तो देख लेना बाबा जैसे गिरोगे नहीं बाई चांस कुछ हो जाता है तो पल पल आनंद लेना है, तो बाबा कहाँ है अभी, वाह इतना अच्छा लग रहा है किरणें पड़ रही है। देखो आने वाले समय पर मैं सबको बता रहा हूँ आने वाले समय पर आपकी चेहरे से सेवा होगी, आपकी चेहरे से सेवा मतलब आपकी आंखों से किरणें निकलेगी, कौन सी किरणें बाबा की किरणें, क्योंकि आपके पास अगर होता तो आप पहले ही दे देते, इसलिए बाबा से लेनी है और आपको देनी है, बाबा से लेनी है और आपको देनी है, थोड़ा एक्शन तो करो नहीं तो कैसे जाएगा, नहीं 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 मेरे हाथ नीचे करो, सामने से युद्ध आ गया तलवार लड़ाई करने के लिए, आप भी राजा हो आपके पास भी तलवार है तो लड़ाई करोगे ना, नहीं मेरे तलवार है तलवार है मुझे बहुत अच्छी तरीके से चला आता है लेकिन रहने दो, युद्ध की भूमि पर रह के आप एक्शन नहीं करोगे तो रिएक्शन होगा, कभी कभी ऐसे एक्शन दूर से घुमाते ही वो डर जाता है भाग जाता है कि नहीं, तो थोड़ी सी एक्शन की जरूरत है, जो आपका रिएक्शन होगा आज तक तो आपने दिया होगा आंखों से गिरने जा रही है लेकिन एक बार एक्शन करके देखो देखना आप चलते फिरते आपको लगेगा मेरी आंखों से गिरने जा रही है, क्योंकि एक्शन से ये रिएक्शन हो ना, तो सोचो बाबा की किरणें आ रही है आंखों से जा रही है, तकलीफ हो रही है बाबा से किरणें, मुस्कुराए बाबा से किरणें आ रही है आंखों से जा रही है,
समझ लो किसी ने शरीर छोड़ा, किसी को चोट लगी, कहीं दुर्घटना हुई या किसी का नुकसान हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं भयंकर परिस्थिति है, मुस्कुरा कर आंखों से किरणें दिखी है और उस समय हाथ को ऐसे नहीं करना, वो कहेगा पता नहीं कौन सी जादू बना गया। ये सिर्फ भट्टी की ट्रेनिंग है और ये हो तो आप रोज अपने घर में सुबह एक बार जरूर करना। जो जो एक्शन है ना अपने घर में, जब आप एकांत में बैठते हो एक के लिए जरूर करना, तो उसके लिए एक्शन दिन भर हो सकता है, हो सकता है काफी टाइम चलेगा। बाबा सी किरणे आ रही है, बाबा से किरणे आ रही है, बोलो ना, बाबा से किरणे आ रही है, आंखों से जा रही है। ऐसे नहीं समझ लो अभी हम लोग करेंगे तीन मिनट के लिए तो आप हाथ उठा के ऐसे नहीं बोलना, भले अगर कभी कर लिया तो ठीक है, लेकिन निरंतर एक्शन योग मन शांत होकर बैठना है। जो आपने एक्शन किया है वहां जो लड़ाई किया है वही चिंतन में चल रहा है, तो वो जो ये जो एक्शन किया होगा वही, तो एक बार एक्शन करना दिन भर आपको चलेगा निरंतर, चाहे ट्रेन में बैठो, प्लेन में बैठो, कहीं भी गाड़ी में, रिक्शा में, कहीं भी बैठो, पैदल करो, निरंतर अभ्यास करता हूं कि मेरी आंखों से किरणें जा रही है। क्योंकि अभी से अभ्यास करोगे तो ये जो महाकयामत का समय है, तड़पते हुए भटकते हुए जो शरीर के साथ भी आएंगे और उधर शरीर के साथ भी आएंगे, उनको आप सबको सकास देना है। कैसे? जब आ जाएंगे आत्मा ही तो बोल देना सर बाबा से किरणें आ रही है। अभी से अभ्यास करो तो शुरुआत में हमको अभ्यास की जरूरत है, बाद में करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा, संस्कार पड़ गया। हमें गुस्सा सीखने की किसी से जरूरत नहीं है, संस्कार पड़ चुका है, आया ना। तो इसी तरीके से ये थोड़ी सी अभ्यास करना है कि बाबा की किरणें आ रही है, बाबा की सारी शक्तियों की किरणें आ रही है, आपको समझा बोलो आवाजी नहीं मिल रही, बोलो ना। जब आपको गुस्सा आया होगा, समझ लो यहां आप लड़ाई कर रहे हो, पड़ोसी तक सुनाई देता है या नहीं, इतना जोर से आवाज आ रही, क्या हो गया उनके घर में देखो तो सही, नहीं नहीं आपने तो गुस्सा ऐसे किया ना, इतना धीरे से बोला था, है ना? ये तोड़ फोड़ क्या क्या किया, वो तेसठ जन्म से करके संस्कार पक्का बन गया, थोड़ी सी अच्छी एक्शन करो, बाबा से किरणी आ रही है आवाज से, बाबा से किरणी आ रही है। योग में आवाज नहीं करनी है, जब हम योग में बैठेंगे, ये अभी ट्रेनिंग चल रही है, बाहर में देखना इसका रिएक्शन कैसा होगा, आप रास्ते में चलोगे ऑटोमेटिक आपको महसूस हो जाएगा, आपको चलिए वही गाना गाते हैं, ये गाना तो कल ये होगा मेरे संग संग चलते हैं बाबा, आपको महसूस करना गाने में सुन के कि बाबा की किरणें आ रही है आंखों से, वाह। फिर देखो आपकी कर्मों में, आप जो भी कर रहे हो, बिजनेस हो, पढ़ाई में, घर में, कोई आपको नफरत कर रहा है, कोई दुश्मन है, किसी भी क्षेत्र में आप हो, आपको सकास दो कि मेरी आंखों से किरणें, सुबह एक बार कर लिया पढ़ रही है, जैसे आपने घर में खाना खा के निकले, पांच घंटे तक भूख लगती है, वो काम करना है, तो एक बार एक्शन करके जाना, बाकी दिन भर किरणें और मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपको किरणें दे रहा हूं पता नहीं हो सकती है कौन सी दुखों की किरणें दे रही है, सबको देना है। चलिए अभी कौन सा गाना गाएंगे, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जैसे गगन में चांद चलता है, तो ये अभ्यास के साथ आप देखना, जैसे आप इसी गाने से उठ के जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक महसूस होगा कि बाबा मेरे साथ है। पिछली बार जिन्होंने भट्टी किया था उनको अभी तक भी अनुभव हो रहा है, आज
अर्थात पक्का। एक चीज को बार बार जब पकाते हैं, आग और जलाओ चारों अभी तक पका नहीं, और आग चाहिए, हाँ या ना? तो संस्कार कैसे बनता है? बार बार करने से। कहा है बाबा? दीदी को कहा बाबा है, कहा है बाबा? भाई उठा, सामने से कोई युद्ध करने वाले आ जाएंगे, मैं तलवार चला लू, देखा हूँ कितना अच्छा है, फिर चला लूंगा। वो सामने वाला ऐसे चलाएगा? माया कैसे बात करती है, एक सेकंड में दुख देती है। नीचे नाले में खाई में गिर गए, मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था, था वो तो था, था था डांस करने लगती है माया की। तो माया से बचने के लिए, संस्कार से बचने के लिए, अगर गुस्सा से संपूर्ण रूप से मुक्ति पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, सबको शांति देना चाहते हो, सबसे पहले बाबा को निरंतर याद करो। बाबा मेरे साथ है, कोई बात नहीं है। मैंने कहीं ट्रेनिंग में बैठे हो, ये सिर्फ नहीं कि आप बैठ जाओ ऐसे, आधा घंटे के बाद पति कहाँ होगा, दस मिनट पांच मिनट होगा, हाय बाबा अभी भी लेट हो गया। देखो कई माता ने कहते उठाने, ट्रेनिंग चल रही है, एक सेकंड में उठाना है। जब तक शरीर छोड़ता है
तो हमें श्री बाबा को 24 घंटे के लिए याद करना है, कितने घंटे? 24 घंटे। अगर ये शब्द और संस्कार बना लिया, हो सकता है दिन में 10 मिनट याद आए आज, कल 20 मिनट, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर बाबा जी का निरंतर बुद्धि और बाबा में लगी जाएगी। आप देखना यहाँ से उठने की बात आपको ऑटोमेटिक बाबा कैसे याद आता है, अनुभूति होता है, आप खुद ही बताएंगे, है ना? आनी भाई जी आपको अच्छा सुना, अच्छा नहीं लग रहा है? चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि हम सत्युग की दुनिया में जाने वाले हैं, कलयुग के सारे एक सारे संस्कार को छोड़ना है, इसलिए निरंतर बाबा को अपने साथ रख के चलना है। और सबको मजा आ रहा है? हाँ जी, सभी की आवाज नहीं है? हाँ जी, सबको मजा आ रहा है? हाँ जी। चलिए गाने के द्वारा आनंद लेंगे। Yeah.
Yeah.